को ये बता देते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की कौन कौन सी रिपोर्ट्स आज आई हैं और उनकी वजह से कौन से स्टॉक्स सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी ख्याति कोठारी मेरे साथ जुड़ी हुई है। ख्याति, कौन कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट आज आई हैं और स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस है अब? सबसे पहले तो देखते हैं एक्सिस बैंक में आज काफी तेजी दिख रही है। स्टॉक ऑलमोस्ट 6% की तेजी से चल रहा है। एक्सिस बैंक पे आज ईसीएलएसए और क्रेडिट सुइस ने काफी अच्छी राय दी है। क्रेडिट सुइस ने इस पे खरीदारी की, आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है ₹960 का। कंपनी ने अपनी ग्रोथ और एसेट क्वालिटी के दोनों के एस्टिमेट्स को बीट किया, लेकिन अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने उसको थोड़ा नीचे खींचा। इसके अलावा सीएलएसए ने इस पे खरीदारी की राय रखी है। लक्ष्य का है ₹1,080 का। आय में काफी सुधार दिखी और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। फिर देखते हैं एचडीएफसी एएमसी में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 0.6-0.7% की धीरे उसमें चल रहा है। इस पे जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 2500 का। मार्केट शेयर लॉस हुआ है इक्विटी एओएम में और ये कंपनी का काफी बड़ा ओवरहैंग रहेगा। ओके, तो एचडीएफसी एएमसी और एक्सिस बैंक, ये दो स्टॉक्स हैं जिन पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है और हमने